हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जियों और फलों में पोटेशियम ज़्यादा होता है और कौन कौन सी सब्जियों और फलों में पोटेशियम कम होता है। पोटेशियम शरीर का एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रा भी पोटेशियम शरीर में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो तात्कालिक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए इन खाद्य पदार्थों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर किडनी वाले पेशेंट्स के लिए, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स में शरीर का पोटेशियम निकालने का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, पोटेशियम लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से अगर किडनी पेशेंट्स पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो पोटेशियम बढ़ने का अंदेशा है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। हालांकि हर बीमारी में पोटेशियम बढ़ ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, कई बार बहुत कम भी हो जाता है, दोनों ही अपने आप में जानलेवा चीज़ें हैं। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा है, किसमें कम है। टॉपिक पर जानने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ये जो पोटेशियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स की लिस्ट हम आपको देंगे, इसमें हम पहले बात करेंगे हाई पोटेशियम वाली चीज़ों के बारे में, फिर लो पोटेशियम वाली चीज़ों के बारे में। ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है जिनका किडनी फंक्शन अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा पोटेशियम खाने से ब्लड प्रेशर को कम करता है। यदि किडनी फंक्शन ठीक है तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी मदद करेगा। सबसे पहले हाई पोटेशियम वाली चीज़ें, इसमें केला आता है, इसमें फाइबर और विटामिन्स भी है और पोटेशियम कंटेंट अच्छा है। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद, इसमें भी पोटेशियम कंटेंट अच्छा है, साथ में फाइबर और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तीसरा है पालक यानी स्पिनाच, इसमें भी पोटेशियम है, विटामिन्स मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें साथ में मिलते हैं। एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती, ये भी काफ़ी अच्छा पोटेशियम इसमें रहता है, साथ में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि हेल्दी फैट्स में गिने जाते हैं और ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, हर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा वाइट बीन्स जैसे कि कैनेलिनी बीन्स, इसमें पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है और फाइबर और प्रोटीन भी अच्छा होता है। इसके अलावा दही में भी पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है, इसमें अगर आप प्लेन दही लेते हो बिना फ्लेवर डाले तो वो ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू वो दही जिसमें फ्लेवर या अलग अलग तरह के स्पाइसेस या फ्रेग्रेंसेस डाले जाते हैं। इसके अलावा सैल्मन जो कि एक फैटी फिश है, इसमें कैल्शियम अच्छा होता है और पोटेशियम भी अच्छा होता है, इसको भी आप ले सकते हैं यदि आपको पोटेशियम चाहिए बॉडी में। तो ये फैटी फिश है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी देता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम करता है और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी कम करता है, साथ में ये पोटेशियम लेवल्स भी बढ़ाता है। इसके अलावा ऑरेंजेस यानी संतरा, इसमें विटामिन सी कंटेंट होता है, पोटेशियम भी अच्छा है, तो ये आपके लिए अच्छा है यदि आपको पोटेशियम की ज़रूरत है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। टमाटो यानी टमाटर, बेसिकली ये हर तरह की कुकिंग में यूज़ किया जाता है, हमारे इंडियन क्विजीन में तो शायद ही कोई सब्ज़ी बिना टमाटर की बनती है, तो ये पोटेशियम के सोर्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा मशरूम्स में भी पोटेशियम अच्छा होता है, खासकर जो वाइट बटन मशरूम होते हैं या पोर्ट बेलो मशरूम्स होते हैं, इसमें पोटेशियम लेवल अच्छा होता है। ये आप बाकी मशरूम्स के बदले या बाकी मशरूम के साथ इनको प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको पोटेशियम बॉडी में चाहिए तो। एप्रिकॉट भी एक पोटेशियम रिच फ्रूट है, इसमें भी काफ़ी अच्छा पोटेशियम रहता है, साथ में फाइबर्स और विटामिन्स और मिनरल्स भी रहते हैं, तो ये भी पोटेशियम जिनको चाहिए उनके लिए अच्छा है। और कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी, ये एक नेचुरली हाइड्रेटिंग बेवरेज है या पेय पदार्थ है, इसमें पोटेशियम अच्छा है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करता है। ये सारी ही चीज़ें अगर आपको किडनी की बीमारी है तो ध्यान से लीजिए, क्योंकि किडनी की बीमारी में ये सारी चीज़ें नुकसानदायक है। यदि ब्लड प्रेशर के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है, आप इनको ले सकते हैं, बशर्ते शरीर का पोटेशियम आपका प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो। आप बहुत ज़्यादा पोटेशियम ना लें, बहुत कम पोटेशियम ना लें, प्रॉपर बैलेंस करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है, और जहाँ किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। अब बात करेंगे उन फूड प्रोडक्ट्स में जिसमें पोटेशियम लेवल कम होता है, जिनको किडनी वाले पेशेंट ज़्यादा ले सकते हैं और अगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। हालांकि ये बुरी फूड प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी किडनी वाले पेशेंट्स इनको प्रेफर ज़्यादा कर सकते हैं जिनको पोटेशियम का ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए। इसमें आता है एप्पल्स, एप्पल बहुत वर्सेटाइल फ्रूट है, बहुत ज़्यादा तरह की चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, जूस वगैरह भी बना सकते हैं, इसको केला और ऑरेंजेस वगैरह के बदले आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कंपैरेटिवली आपको पोटेशियम कम देता है, लो पोटेशियम कंटेनिंग फ्रूट में आता है। इसके अलावा बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, इसमें भी पोटेशियम कम होता है। ये ज़्यादातर बेरीज जो है वैसे भी हेल्दी होती हैं और किडनी वाले पेशेंट्स के लिए आप इनको अच्छा मान सकते हो जहाँ आपको पोटेशियम कम रखना है। इसके अलावा पीचेस जो एक डिलीशियस फ्रूट ऑप्शन है, इसमें भी पोटेशियम कम रहता है। पाइनएप्पल में भी पोटेशियम कम रहता है, एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, बहुत सारे तरह के जूसेस, ड्रिंक्स और सैलड्स वगैरह में इसका प्रयोग होता है। सब्जियों में फूल गोभी
एक अच्छा वर्सेटाइल वेजिटेबल है, बहुत सारी तरह की डिशेज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें पोटेशियम कम है। और पालक और टमाटर के बदले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पालक टमाटर में पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, आपको पोटेशियम कम करना है तो उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा फूल गोभी, फूल गोभी खासकर जो ग्रीन और रेड कलर का फूल गोभी आता है, इसमें भी पोटेशियम कम रहता है, तो आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट बीन्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, पर हरी बीन्स जो है, ग्रीन बीन्स में पोटेशियम कम रहता है, तो अगर आपको पोटेशियम ज़्यादा चाहिए तो वाइट बीन्स लीजिए, पोटेशियम कम करना है तो ग्रीन बीन्स लीजिए, इसमें पोटेशियम कम होता है। इसके अलावा कॉर्न यानी मक्का, ये एक स्टार्ची वेजिटेबल है जिसमें कंपेरेटिवली पोटेशियम कम होता है, तो आप इसको लो पोटेशियम डाइट अगर आपको चाहिए तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट ब्रेड, वाइट ब्रेड यानी बेसिकली जो रिफाइंड ग्रेन से बना हुआ ब्रेड है उसमें पोटेशियम कम होता है एज़ कम्पेयर टू होल ग्रेन से बनाए हुए जो ब्रेड है। जो होल ग्रेन से बनाते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ब्राउन ब्रेड वगैरह, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो वो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए ब्राउन ब्रेड के बदले आप वाइट ब्रेड को प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि ये भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है क्योंकि वाइट ब्रेड बाकी तरह से नुकसान ज़्यादा कर देता है, तो ये बहुत अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन पोटेशियम के हिसाब से ये थोड़ा बेटर माना जाएगा ब्राउन ब्रेड के कंपैरिजन में। इसके अलावा वाइट राइस, वो भी उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, ब्राउन राइस में कंपेरेटिवली पोटेशियम ज़्यादा है, वाइट राइस में पोटेशियम कम है, तो आपको अगर पोटेशियम ज़्यादा चाहिए तो ब्राउन राइस लीजिए, पोटेशियम कम करना है तो वाइट राइस लीजिए। इसके अलावा प्लेन जो बटर है उसमें भी कंपेरेटिवली लो पोटेशियम रहता है एज़ कम्पेयर टू पीनट बटर या एवोकाडो के। पीनट बटर और एवोकाडो लेने के बदले आप अगर सिंपल बटर लेते हैं तो पोटेशियम कम करने में मदद करेगा, पीनट बटर वगैरह पोटेशियम बढ़ाएगा। तो फिर भी अगर आपको ज़्यादा पोटेशियम चाहिए तो पीनट बटर या एवोकाडो ले सकते हैं, लो पोटेशियम चाहिए तो सिंपल बटर ले सकते हैं। अंडों को भी इस मामले में अच्छा माना गया है, एग्स में भी कंपेरेटिवली पोटेशियम लेवल कम होता है, यदि आपको एक लो पोटेशियम डाइट चाहिए तो आप एग्स को ले सकते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपके लिए ओवरऑल ये हेल्दी है। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको जज करना है, यदि आपको पोटेशियम ज़्यादा करना है तो ऊपर जो पहले हमने प्रोडक्ट्स डिस्कस किए उसको आप ले सकते हो, पोटेशियम कम करना है तो बाद में जो हमने डिस्कस किए उनको आप प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। आपका फूड चॉइसेस डिसाइडेड होना चाहिए, या तो मेरा तो बेस्ट सजेशन ये है कि एक लिस्ट बना के रख लीजिए किसमें लो पोटेशियम है किसमें ज़्यादा पोटेशियम है, तो जब कभी भी आपका पोटेशियम रिपोर्ट गड़बड़ होती है जो कि किडनी पेशेंट्स में काफ़ी बार हो सकती है तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिवाय किडनी पेशेंट्स के भी बहुत सारे ऐसे तरह के पेशेंट्स होते हैं जिसमें सडनली पोटेशियम की वेरिएशंस आते हैं, तो आप ये फूड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके अपने पोटेशियम लेवल्स को मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। जितनी बॉडी की पोटेशियम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ले सकते हो, ज़्यादा पोटेशियम चाहिए तो ज़्यादा वाले ले लीजिए, कम वाले चाहिए तो कम वाला ले लीजिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।